प्रसिद्ध प्यार, वो तो हमें बोलना ही चाहिए सबको, खंड खंड हाई देह जाए जदी प्राण, तब अमी वदन न छाड़ी हरि नाम। हरिदास ठाकुर ने वही घोषणा कर दी मूलपति के सामने, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, चाहे मेरे शरीर से प्राण निकल जाएं, तब अमी वदने, तभी भी मैं क्या बोलूंगा, नाचरी हरि नाम, मैं हरि नाम का उच्चारण अवश्य करूंगा। तो मैं सोचता हूं कि जब जप करते हैं रोज एक माला हो जाए, उसके बीच में ये प्यार बोलना चाहिए हमें, है ना, तो मुझे लगता है कि नींद भी भाग जाएगी और जप में भी मन लगेगा। हरिदास ठाकुर के इसी भाव में, आज के इस भाव में, खंड खंड जाए यदि मोर देह जाए यदि प्राण, तभी मैं हरि नाम उच्चारण करूंगा। इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, इससे हमें क्या कहेंगे, सही शब्द क्या है, इससे हमें जो हमारी जो चेतना है वो इतनी स्थापित हो जाएगी, कोई हमें डिगा नहीं सकता। कई बार लोग बोलते हैं ना, जब माला हम हाथ में लेके बाहर चलते हैं तो लोग बोलते हैं हाथ टूट गया क्या, हाँ टूट गया। तो ये अगर हम प्यार उच्चारण करेंगे ना, तो हमें कोई हिला नहीं पाएगा। ग्रेस रवि लोचन प्रभु जी की जाए। तो इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर ये भागवतम आदि खंड 16वां अध्याय 94 नंबर प्यार है, और फिर हरिदास ठाकुर को ले जाया गया 22 बाजारों में। 22 बाजारों में जब ले जाया गया, तो आमतौर पर सुना जाता कि 2-3 बाजारों में जब पिटाई होती थी कोड़ों से, तो व्यक्ति या तो मर जाता था या एक्सेप्ट कर लेता था जो उसे मनवाना होता था। लेकिन यहां पर क्या स्थिति है, यहां पर कृष्ण कृष्ण स्मरण करें हरिदास, वो तो कृष्ण कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और चेहरे पर बड़ी स्माइल है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नामा आनंदे देह दुख न हाय प्रकाश, और नाम के आनंद में डूबे हैं, हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। और जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वहां, आमतौर पर ब्राह्मण लेना बैंक होते हैं, देना बैंक नहीं होते ज्यादातर देखा जाता है, लेकिन सारे ब्राह्मण जितने भी लोग हैं सब आ गए। उन जल्लादों को कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी हमारी ले लो, लेकिन हरिदास को इस तरह से मत मारो, इसे मत पीटो। और उस फिल्म में प्रभु आए भी नहीं है, लेकिन महाप्रभु उस समय पूछ रहे हैं, हरिदास तुम्हें याद है, तुम्हें पानी में बोलने लगे महा जिनके हाथ में त्रिशूल है, शिवजी भी अगर वैष्णव निंदा करे
भागवत प्रमाण तुरंत मरे, उसे मरना पड़ेगा। और गर्ग मुनि गर्ग संहिता में भी लिखते हैं, कृष्णम निंदंती ही पहले तो गर्ग मुनि जी रीजन बताते हैं ऐसा होता क्यों, दोष है, नाम ले रहा है भगवान उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कृष्णम निंदंती ही ओ मूढ़ान। तो नहीं हुआ कुछ लाइट के प्रति तो गर्ग मुनि जी कहते हैं कुंभी पाक से पतती यादव है जीव के प्रति ना, अगर कोई सच्ची भक्ति करना प्रारंभ कर दे, आज हमें आज के दिन हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए हरिदास ठाकुर के जीवन से कि आज से हम शुद्ध सच्ची भक्ति करेंगे, किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, तो भगवान ऐसे ही रक्षा करने आएंगे जैसे हरिदास ठाकुर की रक्षा की, अपनी पीठ पर कोड़े ले लिए। प्रभुपाद जी का कोटो पर डे है ना, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इवन टूडे कृष्णा कैन लिव द हिल इफ वी बिकम गोपी जन्म। अगर हम आज गोपी जन बन जाए तो भगवान आज भी हमारे लिए पर्वत उठाने के लिए तैयार हैं। तो हरिदास ठाकुर रोने लगे और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये उन्हें प्रसंग सुनाया। फिर आप लोग जानते ही हैं कि जब हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की उन जल्लादों ने कि आप नहीं मरोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये क्या करेगा काजी, ये मुलुकपति हमें मरवा देगा, तो आप हमारे बच्चों का ख्याल करो, आप मर जाओ ना प्लीज। तो हरिदास ठाकुर तुरंत योग समाधि ली और लुढ़क गए। वैद्य ने आकर के चेक किया, देखा तो शरीर में प्राण नहीं है, क्योंकि हरिदास ठाकुर योग सिद्ध, जैसे उनका पेड़ भी सिद्ध बकुल हो गया था ऐसे उनका देह भी सिद्ध था। तो लुढ़क गए, उनको ले जाया गया, देखा तो कहा गया इसे दफना दो। एक काजी कहता नहीं नहीं दफनाना नहीं, जन्नत में जाएगा ये, तो बोले तो फिर इसको जला दो। तो काजी कहता नहीं अगर जला देंगे तो ये स्वर्ग जा सकता है हिंदुओं का, तो इसे पानी में फेंक दो। तो पानी में फेंक दिया गया और हरिदास ठाकुर थोड़ी देर तो बहते रहे, बाद में फिर से उठे। और उस फिल्म में बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये तो है कथा में, लेकिन अगर उस फिल्म में देखेंगे जिस भक्त ने एक्टिंग की है वो पहले तो बहता जाता है और फिर खड़ा होता है, खड़ा होकर दोनों हाथों में हथकड़ियां है, इधर भी हथकड़ियां और फिर हीरो की तरह आता है चलते चलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन सोचिए सचमुच में जब हुआ होगा तो कैसा होगा। मुरारी गुप्त चैतन्य चरित में हर चैप्टर के एंड में एक बात लिखते हैं जो हम भक्तों को पकड़नी चाहिए। मुरारी गुप्त कहते हैं कि देखिए जब भी आप कोई लीला सुन रहे हो ना, कोई भी महाप्रभु की लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, कुछ भी सुन रहे हो, आप उस लीला में प्रवेश कर जाइए और ये सोचिए कि ये सच में हुआ होता तो क्या होता, आपको वही लाभ मिलेगा
जो आप लीला में होते उस समय साक्षात, अगर आप लीला में प्रवेश कर ऐसा सोचते हो तो, ये मुरारी गुप्त का बहुत ही सुंदर कोटेशन है, आप वही लाभ मिलेगा लीला में भाग लेने का। अर्थात आप लीला में भाग ले रहे हो तो सोचिए जिस समय वो आते हैं और सब पब्लिक देख करके चिल्लाती है हरिदास की जय हो हरिदास, और हरिदास फिर लौट कर आते हैं और फिर वो कहते हैं तुम सच्चे पीर हो, सच्चे फकीर हो, जाओ हम तुम्हें छोड़ते हैं और आज के बाद तुम्हें कोई भी सताएगा नहीं। और वहां से फिर हरिदास ठाकुर निकलते हैं और आगे निकल करके वो दूसरे स्थान में आते हैं और वहां पर एक कुटिया बनाते हैं, वहां हरिनाम का जप शुरू करते हैं। और जिस कुटिया में रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक बड़ा नाग सर्प रहता है विषधर, और लोग उनसे मिलने आते हैं, ये काफी समय बाद होता है लेकिन मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा उनकी लीला है। तो कई उनसे भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि हरिदास ठाकुर हम आम से मिलने आते हैं लेकिन यहां पर बहुत गंध है, बहुत गंध है यहां पर उस सर्प की, उस सर्प के सिर में मणि भी थी। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं लेकिन मुझे तो बदबू नहीं आती, आप लोगों को गंध आती है। ठीक वैसे ही राधाष्टमी अभी अभी गई हमने बिताया, राधाष्टमी अपनी सखियों को कहती है हे सखियों मेरे लिए विष ला दो, मैं मरना चाहती हूं, मैं नहीं जीना चाहती क्योंकि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं, 100 साल बीत गए हैं। तो ललिता सखी कहती हैं हे राधा रानी तुम्हारा शरीर इतना अमृत में हो चुका है कृष्ण का चिंतन करते करते कि कोई संसार में विष है ऐसा जो तुम्हें मार सके, कोई संसार में ऐसा विष नहीं है। ऐसे ही श्री चैतन्य लीला में हम देखते हैं गरुड़ पंडित, गरुड़ पंडित ने प्रतिज्ञा की थी बचपन से कि मैं कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूंगा, अगर पानी पीना है तो बोलूंगा कृष्ण, कुछ खाना है तो कृष्ण, पहनना है तो कृष्ण। तो एक बार वो जा रहे थे गरुड़ पंडित, उनको सांप ने डस लिया तो कौन मरना चाहिए था गरुड़ पंडित मरने चाहिए थे लेकिन सांप मर गया, ये कृष्ण नाम है देखिए। इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मुझे तो गंध नहीं आती और ना मुझे कोई डर लगता। तो सारे वैष्णव कहते हैं लेकिन हरिदास ठाकुर हम लोगों को बहुत डर भय लगता है जब यहां आते हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है मैं कल यहां से चला जाऊंगा। दो तीन ग्रंथों में अलग अलग है ये स्टोरी, अद्वैत विलास, प्रेम विलास, अलग अलग चैतन्य भागवत, लेकिन सही ये है अगर हम सही सोचें कि हरिदास ठाकुर उनसे वार्ता कर रहे हैं कि ठीक है मैं कल जगह बदल लूंगा। एक में तो आया कि हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे सब या तो तुम चले जाओ या मैं चला जाता हूं यहां से लेकिन एक जो चैतन्य भागवत उसमें कहा गया कि हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं उन लोगों से वार्ता कर रहे हैं कि ठीक है मैं अपनी कुटिया बदल लेता हूं। ये वार्ता करते करते देखते देखते वो सर्प बाहर आया और पूरा अजगर के समान उसका आकार था और धीरे धीरे सब भयभीत हो गए डर के मारे और सर्प और वो चला गया। अर्थात इससे ये पता चलता है कि जब हम सच्चे हृदय से सही शुद्ध भक्ति करते हैं तो जितने भी सर्प होते हैं ना हमारे हृदय में, आचार्य बताते हैं हमारे हृदय में भी ऐसे मोटे मोटे अजगर बैठे हुए हैं जो कि हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब कोई उच्च स्वर में नाम लेता है ना, जपा करता है, उच्च स्वर में जप करना चाहिए हमें, वो वाला मानसिक जप नहीं करना चाहिए, कलयुग के लिए नहीं बनाइए ये मानसिक जप। हालांकि हमारे स्क्रिप्चर कहता है कि मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ होता है, जीव गोस्वामी शर सुंदर ने इसे क्लियर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि युग और स्थान इस पर निर्भर करेगा। मानसिक जप तब करना चाहिए जब आप सिद्ध हो चुके हो नाम जप करने में, तब आपका ठीक है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि अभी मैं शुद्ध नहीं हुआ हूं तो फिर उच्च स्वर में जप करना चाहिए, कम से कम इतना कि कानों में आवाज जाए। कई भक्त होते हैं जो बिल्कुल ऐसे करते रहते हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन चेक करे उन्हें, सोचो आप मुझे बताओ चेक कैसे करें उनका। क्योंकि एक भक्त के पास में बैठ करके जप कर रहा था, वो कह रहा था प्रभु जी मेरी माला 6 बजे हो जाती है, तो मैंने उसको कहा कि आज तुम इतनी जोर से करना कि दूसरा कोई सुन सके। बाद में जब मैंने उसके कान लगा करके सुनने गया तो लास्ट के हरे हरे खा रहा था, बीच के हरे हरे खा लेते हैं ना, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे सीधा बोल देते हैं, लास्ट बीच का हरे हरे खा लेते हैं। तो अगर हमें कोई चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा, इसलिए कम से कम इतनी जोर से जप होना चाहिए हमारा ताकि दूसरा सुन पाए। तो ऐसे सर्प निकल करके चले गए, सबके संकट दूर हो गए इस हरि नाम के जप से। फिर आगे बढ़ते हैं, हरि नदी गांव में आते हैं हरिदास ठाकुर, वहां पर हरिदास ठाकुर जपा कर रहे थे ऊंची आवाज में, तो वहां के ब्राह्मण लोग आ गए,
वहां के भक्त लोग आकर कहते हैं, ये ब्राह्मण लोग क्या ये ऊंची ऊंची आवाज में जप कर रहे हो, इस समय तो चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में भगवान सोते हैं और तुमने सोते व्यक्ति को जगा दिया तो कितना गुस्सा आएगा उसे। धीरे धीरे जप किया करो। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, पशु बाकी कीटे आदि बोले ते न पारे, कि जो पशु है पक्षी है कीड़े हैं वे बोल नहीं पाते प्रभु का नाम। सुनी ले हरि नाम तारा सब तारे, तो हरि नाम सुन के उनका भी उद्धार हो जाता है, इसलिए मैं जोर से जप करता हूं। एक बार हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु शेयर कर रहे थे कि एक बार हमारे गुरु महाराज पंजाबी बाग मंदिर में आए और उन दिनों में लिफ्ट नहीं थी, तो पंजाबी बाग मंदिर आप जानते हो कि हमें चढ़ना पड़ता है ना स्टेयर से, तो महाराज चढ़ रहे थे स्टेयर से तो एक जो कीड़ा जैसे कुछ होता है कॉकरोच टाइप का वो उल्टा हुआ हुआ था, उल्टा हुआ होने के कारण वो हाथ पांव मारते हैं ना बड़ी तेजी से मार रहे थे, तो महाराज चढ़ रहे थे तो महाराज रुक गए। तो रुक्मिणी कृष्ण कह रहे कि मैं सोचने लगा कि महाराज रुक क्यों गए, और महाराज उसको देख रहे हैं कॉकरोच को जो उल्टा होकर के ऐसे से तड़प रहा है, और महाराज वहां खड़े होकर के जप करने लगे हरे कृष्णा थोड़ी देर में वो सीधा हो गया और वो भाग गया और महाराज ऊपर चढ़ गए। देखिए इससे पता चलता है हरि नाम क्या नहीं कर सकता। कोई करोड़ों कृष्णदास कबीराज गोस्वामी बोलते हैं ना कोटि अश्वमेध, अगर करोड़ों अश्वमेध करे और एक कृष्ण नाम बोले और बोले बराबर है उसे यमराज जी डंडे से पीटेंगे, बस इतना सा। भगवान का नाम तो पता नहीं क्या कर सकता है। तो देखिए ये मेरे पीछे आप जरूर दोहराएगा जो कि हरिदास ठाकुर के मुख से निकला है ये प्यार, अतएव उच्च करी कीर्तन कोड़ी ले शत गुण फल है सर्व शास्त्र बले। ये चेतन भागवत आदि खंड और प्यार संख्या 280 और अध्याय है 16। तो ये प्यार उन्होंने उच्चारण किया है, इस पर हमें ध्यान देना है कि हमें उच्च स्वर में जप करना है। उच्च का मतलब यह भी नहीं कि पूरे मंदिर में आपका ही जप हो बाकी सब आपको देखें, ऐसा भी नहीं, ऐसा हो कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो, है ना, ऐसा जपा करें कि दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन अपने कान में आवाज जरूर जाए, क्योंकि दवाई कान में जाएगी तो काम जरूर करेगी, जैसे मर्जी जा रही हो दवाई, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो चाहे जबरदस्ती वाली दवाई हो, लेकिन दवाई काम करेगी जरूर, लेकिन कान में जाएगी नहीं तो फिर असर कहां से आएगा, इसलिए ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा हरिदास ठाकुर के लिए बोला, देखिए वहां पर उन्होंने एक वराह पुराण का श्लोक उच्चारण किया उन ब्राह्मणों ने, उस पुराण में लिखा है वराह पुराण में कि कलयुग में शुद्ध कौन ब्राह्मण बनेगा, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना हम ब्राह्मण है। कलयुग में ब्राह्मण वो है जो पिछले जन्म में हिरण्याक्ष के साथ आए थे असुर और भगवान वराह उनसे युद्ध कर रहे थे, तो हिरण्याक्ष को मारने के बाद कुछ असुर भागने लगे तो भगवान वराह ने श्राप दिया उन्हें कि तुम युद्ध में पीठ दिखा रहे हो, कलयुग में सब ब्राह्मण बनोगे, जाओ भागो। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो ब्राह्मण हैं। तो सारे ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं, अब कलयुग में भी शूद्र ही वेद पाठ करेंगे, वो श्लोक कोट कर रहे हैं वहां पर वो वाला श्लोक। और वाल्मीकि रामायण में वो भी बोल रहे हैं, हमारे जो रावण के भाई क्या नाम है, विभीषण जी राम जी से मित्रता कर रहे हैं और विभीषण जी राम जी से कह रहे हैं, हे प्रभु अगर मैं आपसे मित्रता ना निभाऊं तो कलयुग में ब्राह्मण के रूप में जन्म लूं। इसका मतलब ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि वो जात से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, जैसा गीता में कृष्ण कह रहे हैं ना चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, तो गुण और कर्म है, तो ये कह रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले, उन ब्राह्मणों से बहस नहीं की। देखिए ब्राह्मणों से आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए, हो सकता है हमें भी कुछ अपराध लग जाए। उस दुष्ट ब्राह्मण का जो हरिदास ठाकुर से बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा था, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया और वैष्णव अपराध का उसे हाथों हाथ फल मिला। हरिदास ठाकुर ने कोई कमेंट्स नहीं किया, चुपचाप वहां से आ गए। फिर नवद्वीप में आ गए हरिदास ठाकुर, नवद्वीप में आए वैष्णवों का दर्शन की इच्छा से, और वहां पर उन्हें मिले अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य इतना प्रेम करते थे हरिदास ठाकुर को जितना प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे हरिदास ठाकुर से। और हरिदास ठाकुर के अद्वैताचार्य के यहां श्राद्ध आया। अब श्राद्ध पर किसको बुलाएंगे,
उन्होंने ब्राह्मणों को भी बुलाया और हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। हरिदास ठाकुर को देख करके सारे ब्राह्मणों ने कहा है, छी छी छी, ये मुसलमान को भी यहां पर भोजन के लिए बुला लिया, हम नहीं खाएंगे। और अद्वैत आचार्य ने बहुत बड़ा भंडारा किया था, उस दिन श्राद्ध था उनके पिताजी का, तो सारे ब्राह्मण चले गए। तो एक ग्रंथ में तो बताया गया है कि चूंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं, और अद्वैत विलास में बताया गया ये कार्य हरिदास ठाकुर ने किया था, चूंकि हरिदास ठाकुर सिद्ध वैष्णव थे। हुआ क्या कि पूरे नदिया में सारे ब्राह्मण उल्टे चले गए और सब बोलकर आए थे अपनी अपनी पत्नी से कि आज का भोजन मत बनाना हमारा, तुम बनाकर खा लेना, आज हमारा इनविटेशन कार्ड आया है बहुत सुंदर। तो वहां जाकर के जब देखा अरे मुस्लिम खा रहा है, तो घर वापस आ गए सारे। तो हुआ क्या, हरिदास ठाकुर ने, हम हरिदास ठाकुर का नाम लेंगे इसलिए, हरिदास ठाकुर की योग सिद्धि से इतनी वर्षा हुई नदिया में उस दिन कि पूरी नदिया के अंदर माचिस की तिल्ली नहीं जली, इतनी वर्षा हुई और चूल्हा नहीं जला किसी के घर में। और अद्वैत आचार्य ने सूखा सीधा दे दिया था उन ब्राह्मणों को, भाई खाली हाथ मत जाओ मेरे घर से, सूखा ले जाओ, घर बना के खा लेना। लेकिन घर बनाए कैसे, बारिश इतनी, उन दिनों में गैस तो होती नहीं थी, गैस जला देंगे। तो शाम तक वो बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, भोजन बनाओ भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन सारा दिन बारिश हुई, रात बारिश हुई, अगले दिन फिर से बारिश हुई। अब कच्चा खा खा कर उनका मन नहीं भरा था, तो वापस लौट के आए अद्वैत आचार्य के घर में आए सारे ब्राह्मण कि जो कल का बासी हो तो वही दे दो। तब जब से हमने हरिदास ठाकुर को मना किया है तब से भूखे हैं, कुछ मिला नहीं। तो फिर हरिदास ठाकुर के पास लेके जाते हैं अद्वैत आचार्य उन ब्राह्मणों को कि चलो देख के आए हरिदास ठाकुर अपनी भजन कुटीर में क्या कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप कर रहे थे और वहां पर अग्नि जली हुई थी। तो आचार्य बताते हैं कि सारी अग्नि को हरिदास ठाकुर ने खींच लिया था, उस दिन कहीं भी माचिस की तिली नहीं जल सकती, और बड़े प्रेम से भगवान का नाम ले रहे थे। तो सारे ब्राह्मणों ने फिर क्षमा याचना की हरिदास ठाकुर के चरणों में। तो इससे पता चलता है हमारे कई कर्मकांडी ब्राह्मण जब श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज आए थे वृंदावन में, तो बहुत सारे जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे वृंदावन के, वो सब विरोध कर रहे थे, ये सन्यासी ने सब देखो ऐसे ऐसे लोगों को सन्यास दे दिया है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने ड्राइवर को कहा गाड़ी चलाते रहिए, हॉर्न पे हाथ रखिएगा, गाड़ी को रोकिए मत, सीधे चलाते जाइएगा। और जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने राधा कुंड पर लेक्चर दिया तो उपनिषदों पर लेक्चर दिया, तो सारे जो आए वहां के साधु सन्यासी उन्होंने कहा ये कैसा सन्यासी है, राधा कुंड पर बैठ करके और कथा कर रहा है उपनिषदों पर, और चिंता लेकर मारने दौड़े भक्ति सिद्धांत महाराज को। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ये लोग राधा कुंड में नहीं रहते, ये नरक कुंड में रहते हैं ये सारे, ये उपनिषदों को अलग मानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, प्रभुपाद जी ने देसी हो चाहे विदेशी हो कोई भी हो, सोचिए कितना लाभ है इससे। जो बेचारे नीची जाति में पैदा हो जाते हैं, नहीं तो जन्म जन्म वो यही सोचते रहेंगे हम तो बस नीची जाति में, लेकिन इस्कॉन प्रभुपाद जी ने एक ऐसी फैक्ट्री लगाई है, ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री है ये इस्कॉन, कोई भी आए किसी भी जाति का यहां ब्राह्मण बन के जाए, जिन्हें मिल जाएगा उसे, है ना। और प्रकांड ब्राह्मण देखिए, ऐसा ब्राह्मण नहीं जो कर्मकांडी है। तो नवद्वीप में आ गए और ये प्रसाद सबने एक्सेप्ट किया और सबने हरिदास ठाकुर की शरण ग्रहण की। हिस ग्रेस गौर गोपाल प्रभु एक बार आए थे इधर जनकपुरी में, उनका क्लास मैंने सुना था, तो वो शेयर कर रहे थे कि रशिया में आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो 192 माला का जप करते हैं और सारी रात ऑल्टर के पास बैठे रहते हैं और अपनी निंदा करते रहते हैं कि हम तो मुसलमान परिवार में जन्मे हैं, नीच खानदान में जन्मे हैं, 192 माला का जप करते हैं वो लोग भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जाति में उत्पन्न हो गया वो उसी जाति का रहेगा, नहीं, वो ब्राह्मण से कहीं बढ़कर है वैष्णव। इसके बाद कथा आती है बिना बोल में रामचंद्र खान, आपने वो कथा सुनी होगी वेश्या की, जो वेश्या उसको भी दिक्कत हो गई थी। तो ये रामचंद्र खान ये आपस में क्या है, रामचंद्र और खान ऐसा कैसे हो गया, सत्यराज खान। तो इसके विषय में बताया गया कि बंगाल में एक जाति होती है जो खान शब्द का प्रयोग करती है, ऐसा बंगालियों का कहना है, इसलिए देखा भी गया जो बंगाली होते हैं मुस्लिम्स को थोड़ा पक्ष लेते हैं, वो भी खान हम भी खान, तो इसलिए कहा गया कि बंगाल में एक जाति है खान नाम की, ठीक है। तो
तो इसको दिक्कत हुई और इसने हीराबाई को वेश्या को भेजा। वो तो बहुत लंबी कथा आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर हरिदास ठाकुर फिल्म में देखें तो क्या हुआ, वो आप जानते हैं कि 3 दिन तक जप करते रहे और वो वेश्या जब शुद्ध हुई तो क्या बोल रही है, हे ठाकुर मैं तुम्हें उस संसार में गिराने आई थी लेकिन तुमने मुझे उस संसार से निकाल लिया है। तो वेश्या ने 192 माला का जप किया, हैट शेव किया और हरिदास ठाकुर की आज्ञा से जितना भी धन था सब ब्राह्मणों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वहीं तुलसी के पौधे के पास बैठ करके जप करने लगी। और हरिदास ठाकुर वहां बोलते भी हैं, ठाकुर कहे खाने रे कथा सब आमी जानी। मैं सब जानता था, ये रामचंद्र खान की जो योजना चल रही थी मैं सब जानता था पहले से ही, मैं तो तुम्हारे उद्धार के लिए यहां रुक गया था। और वो भी बहुत सुंदर दृश्य है फिल्म में अगर देखे तो, उसमें क्या बताया गया जो कि स्क्रिप्चर में कहीं नहीं मिलता, लेकिन अगर हिज होलीनेस गिरिराज महाराज ने दिखाया तो कहीं ना कहीं होगा ये भी। बाद में रामचंद्र खान आता है और देखता है कि उस फिल्म की घटना बता रहा हूं, ये शास्त्री नहीं है, रामचंद्र खान आकर के तलवार लेके आता है और देखता है कि इस वेश्या को मैंने कहा था हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए और ये तो हेड शेव करके माला कर रही है, तो वो तलवार लेके आता है और उस वेश्या का सर काटना चाहता है। लेकिन उसमें दिखाया गया कि तुलसी के पौधे में से, क्योंकि उसका ध्यान हरि नाम में है, उसको नहीं मालूम कौन उसे मारना आ रहा है, लेकिन तुलसी में से एक तलवार निकलती है और हरि उसको जो रामचंद्र खान है उसी का सर काट देती है। शास्त्रों में मिलता है कि रामचंद्र खान को बहुत बड़ा वैष्णव अपराध लगा और उसको उसका सर्वनाश हो गया। इसके बाद उसने इतना बड़ा अपराध किया जो हरिदास ठाकुर को गिराना चाहता था, उसमें ऐसा लिखा है। फिर इसके बाद माया देवी भी आती है, माया देवी के साथ भी सेम स्टोरी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो माया देवी ने कहा और ये पुष्ट किया है सर संदर्भ में जीव गोस्वामी ने भी कि माया देवी क्यों आई। ये बहुत अच्छा है ना ये सोचना है कि माया देवी को क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या गिराना चाहती थी माया देवी? नहीं, माया देवी की ये इच्छा नहीं थी कि हरिदास ठाकुर को गिरा दे, क्योंकि प्रौढ़ माया के रूप में वो नवदीप धाम में रहती है ऑलरेडी महाप्रभु की आज्ञा से। माया देवी इसलिए आई, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि माया देवी कह रही है हरिदास ठाकुर को कि मुझे शिवजी ने तारक मंत्र दिया था। तारक मंत्र बोलते हैं राम नाम के मंत्र को, तारक बोलते हैं, और शिवजी ने मुझे पारक मंत्र नहीं दिया। पार्क का मतलब ये वाला पार्क नहीं जो हमारे मंदिर के सामने है। पार्क का मतलब है प्रेम पुमार्थो महान। तो माया देवी इसलिए हरिदास ठाकुर के पास आई, वहां लिखा है जीव गोस्वामी लिखते हैं, क्योंकि वो प्रेम करना चाहती थी, भगवान से प्रेम नहीं हुआ था उसे, इसलिए तारक मंत्र दीजिए मुझे। 3 दिन बाद उसने कहा यह बात, हे हरिदास मैं तारक मंत्र तो था बट तारक मंत्र लेने आई थी आपसे, आप मुझे दीक्षित कीजिए हरि नाम से। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मुझे याद आई अभी अभी, 7 अप्रैल और शायद सन 1971 को प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लिखी गिरिराज महाराज को, यह शिक्षामृत में मिलता है, अगर किसी दीक्षित भक्त की माला खो जाए तो क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है वहां पर कि आपकी माला खोनी नहीं चाहिए थी प्रभु। उस समय प्रभुपाद लिख रहे हैं, आपकी माला वैसे खोनी नहीं चाहिए थी, इसे बड़ी केयर से रखना चाहिए था, लेकिन अगर माला खो जाए, क्योंकि गिरिराज महाराज कह रहे हैं प्रभुपाद दूसरी माला पे जप करके दे दो तब मैं जप करूंगा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप फिर से गुरु को तंग करो और एक माला करके मुझे दो, क्योंकि जब माला गुरु देता है शिष्य को तो ये गोल्डन बीड्स देता है, अब आप दूसरी माला लेकर के भगवान के चरणों को स्पर्श करके माला कर सकते हो। ये प्रभुपाद जी का लेटर मिला परसों ही मुझे, एकादशी के दिन मैं प्रभुपाद शिक्षा में पढ़ता हूं तो विद इन नोट्स मुझे याद आया तुरंत, तो 7 अप्रैल 1971 गिरिराज महाराज को पत्र है। तो कई बार भक्त लोग पहुंच जाते हैं ना और महाराज को दिल्ली मंदिर में आप जानने क्या करना पड़ रहा है, महाराज ने बहुत सारी माला पहले ही जप करके रख रखी है, क्योंकि हर रोज एक भक्त पहुंच जाता है महाराज मेरी माला खो गई, महाराज बोले मैंने पहले ही रख दिया भंडार उसमें से उठाओ जाओ। तो इसलिए ये भी आवश्यक नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हरिदास ठाकुर सप्तग्राम में आए और चांदपुर में हिरण्य मजुमदार के पुरोहित बलराम आचार्य के घर आकर के रुके। ये कुलगुरु थे गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार के, कौन? बलराम आचार्य। इनके घर में आए तो यहां पर हरिदास ठाकुर रोज कथा करते थे, रोज जपा करते थे, कथा करते थे। यही घर में आए थे कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहां इनका लेक्चर सुना था, एक लेक्चर सुना था और रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए कहां पहुंच बन गए। रघुनाथ
के नाम से आए थे और बाद में वो भक्त बन गए। बाद में मजुमदार के कार्यालय में के पत्र में एक राजकर ग्राहक गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था, जिससे थोड़ा आर्गुमेंट हुई, वो भी आप लीला जानते होंगे, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने कहा था, क्या हरिदास ठाकुर ने कहा था कि नाम भास से ही मुक्ति मिल जाती है, और वो इस बात को कह रहा था कि नहीं नहीं मुक्ति तो करोड़ों जन्मों तपस्या करने के बाद मिलती है, और अगर कोई शुद्ध नाम जप करे तो भगवान का प्रेम मिल जाता है। तो उसने कहा था कि तुम ये बात कह रहे हो, अगर तुम ये बात कह रहे हो और ये सच्ची सिद्ध नहीं हुई तो तुम्हारी नाक काट लूंगा मैं, और वो बोलकर चला गया। हरिदास ठाकुर फिर से चुपचाप अपने घर में आ गए। तो जब चुपचाप घर में आए तो कुछ दो तीन दिन के बाद लिखा है वहां पर, केवल दो तीन दिन बाद ही उस गोपाल चक्रवर्ती की नाक में कुष्ठ रोग हुआ, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ और नाक उसकी गिर पड़ी, कुष्ठ रोग हो गया, हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। इसके अतिरिक्त एक घटना जरूर सुनाना चाहूंगा मैं, शायद मेरे नोट्स में नहीं है ये, आप लोग जानते हैं कि एक स्नेक चार्मर था सपेरा, और वो एक सर्प को इस तरह से नचा रहा था और उसके अंदर आवेश हो गया था, आज अनंत चतुर्दशी भी है ना, तो एक स्क्रिप्चर में लिखा है, चैतन्य भागवत में लिखा है, यस श्लोक संख्या भी ये मेरे पास होगा जरूर, उसमें यस ये है अध्याय 16 आदि खंड और प्यार संख्या 247 चैतन्य भागवत, उसमें एक घटना आती है कि उस सपेरे में, क्योंकि हरिदास ठाकुर वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा तो उसमें अनंत शेष का आवेश हो गया उस स्नेक चार्मर के अंदर, और वो जब गा रहा था, कौन सी लीला गाने लगा, कालिया देह की लीला गाने लगा, भगवान कृष्ण की लीला गाने लगा, और हरिदास ठाकुर उस पर नाचने लगे, बड़े आनंद लेने लगे। अब हरिदास ठाकुर जब ऐसा कर रहे थे, सब लोगों ने बड़ा प्रशंसा करनी शुरू कर दी हरिदास ठाकुर की, तो एक नकली वहां आया ब्राह्मण, उसने कहा रहे इतना सम्मान, वो भी नाचने लगा, तो सपेरे ने फिर डंडा लिया और उसकी पिटाई की, और इतनी पिटाई की वो गिर पड़ा। तो पूछा लोगों ने कि भाई एक जब पहले नाच रहा था ये हरिदास, तब तो तुमने प्रशंसा की, और जब ये दूसरा ब्राह्मण आके नाचता है तो तुम इसकी पिटाई करते हो, ऐसा क्यों? तो चूंकि उसमें अनंत भगवान का आवेश हो गया था और आज अनंत चतुर्दशी है, इसलिए उसमें से अनंत भगवान ने कहा, क्या सकृत ये बलिवेक हरिदास नाम, सत्य सत्य से है जाई बेक कृष्ण धाम। ये हमारे काम का है ये प्यार, इसलिए मैंने इसको नोट किया। आप लोग जानते हैं कि जब हम जय ध्वनि करते हैं तो प्रभुपाद जी ने हमें नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय क्यों बोलना डाला, इसके पीछे ये सीक्रेट है इसका, प्रभुपाद जी ने चुन चुन करके शास्त्रों से हमें क्या क्या नहीं दिया। अनंत भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, सकृत ये बलिवेक, जो कोई भी पुण्य आत्मा श्रद्धा के साथ हरिदास का नाम उच्चारण करेगा, आप बोलिए इसलिए हरिदास ठाकुर की जय, बस अगर कोई इतना भी बोलेगा तो अनंत भगवान क्या कह रहे हैं, सत्य सत्य से है जय बेक कृष्ण धाम, वो व्यक्ति सच कह रहा हूं सच कह रहा हूं, कृष्ण के धाम अवश्य जाएगा। ये देखिए, तो मैं सोच रहा था जब ये प्यार मैंने पढ़ा तो प्रभुपाद जी के ऊपर रोना आया, अरे प्रभुपाद जी ने हमें क्या क्या नहीं दिया, कितने हमारे आचार्य हुए हैं, सोचिए क्या प्रभुपाद उनके भी तो नाम डाल सकते थे ना, लेकिन प्रभुपाद जी ने चुन के नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलो। प्रभुपाद जानते थे अगर कोई अनजाने में भी बोल गया तो कृष्ण के धाम जाएगा, देखिए कितना सोच, लंबी सोच है प्रभुपाद जी की। हाँ, तो साफ कह रहे हैं अनंत भगवान, सत्य सत्य से है जाई बेक कृष्ण धाम, वो व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्ण के धाम जाएगा जो एक बार भी हरिदास ठाकुर बोलेगा। इसलिए ये सपेरे में से अनंत भगवान बोल रहे हैं कि ये हरिदास है, ये भगवान का भक्त है, ये तो सचमुच में कर रहा था, दूसरा जो नाटक कर रहा था इसलिए उसकी मैंने पिटाई की। फिर और आगे बढ़ते हैं, जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस संसार में, हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के घर में उपस्थित थे, और जब श्री चैतन्य प्रकट हुए, गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, तो दोनों मिल करके चारों दिशाओं में हरि ध्वनि हो रही थी उस दिन, फागुन पूर्णिमा के दिन। तो दोनों क्या कर रहे थे, हरिदास लिया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, केने नाचे के हो नहीं जाने। ये प्यार है कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, हरिदास ठाकुर कहां है,
अद्वैताचार्य के घर में, और दोनों नाचने लगे, दोनों ऐसे नाच रहे हैं तो गली में आगे नाचते नाचते सबने कहा भैया क्या हो, सब क्यों नाच रहे हो? लेकिन दोनों कह रहे हैं के में नाचे के हो नहीं जाने, अभी हम ये नहीं बताएंगे हम क्यों नाच रहे हैं। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं अभी नहीं बताएंगे क्यों नाच रहे हैं हम लोग, क्योंकि उधर प्रभु का आगमन हो गया है, क्योंकि दोनों ने मिलकर की थी, अद्वैताचार्य ने भी की थी, जो नरसिंह शिला पर तुलसी दल मात्र ने जल से चुलू के नवा विकृणते सुमात्मानम भक्ति भो भक्त वत्सला, गौतम तंत्र का श्लोक है ना। तो हरिदास ठाकुर ने भी तुलसी पत्र चढ़ाए थे प्रभु के आवेश के लिए, वहां ऐसा मेंशन है। तो दोनों नाचे थे और दोनों बड़े ही प्रसन्नता के साथ नाच रहे थे। तो उस लीला में मैं चलता हूं फिर से, जिस लीला में श्री चैतन्य बता रहे हैं सप्तपहरीय लीला में। तो हरिदास ठाकुर ने वहां कहा था कि हे प्रभु तो आपने मेरे लिए इतना कैसे सहा? तो भगवान ने कहा हरिदास तुम सदा से मेरे हो और मेरे ही रहोगे, एक दिन भी अगर तुम्हारा कोई संग करेगा या एक दिन भी तुम्हारी कोई कथा भी सुनेगा, जैसे हम सब लोग सुन रहे हैं, तो कृष्ण की कृपा तुम्हारे साथ होगी और निश्चित रूप से वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। ये हरिदास ठाकुर को भगवान श्री चैतन्य बोल रहे हैं। और ये कह करके जब ऐसा कहा तो हरिदास ठाकुर मूर्छित होकर गिर पड़े। हरिदास ठाकुर कहने लगे प्रभु मेरा इतना गुणगान ठीक नहीं, मैं ऐसा भक्त नहीं हूं। तो महाप्रभु एक सुंदर प्यार उच्चारण करते हैं, देखिए महाप्रभु कहते हैं उठ उठ हे हरिदास, उठो उठो और क्या करो, तुम मेरा दर्शन करो। उठ उठ मोर हरिदास, मनोरथ भरी देख आमारा प्रकाश। कितना मीठा प्यार है बंगाली ना, उठ उठ हरिदास और देख मेरा प्रकाश, मेरा दर्शन कर। मूर्छित होने का समय नहीं है क्योंकि इस समय भगवान ईश्वर आवेश में है, भगवान अपने विष्णु सिंहासन पर बैठे हैं। तुम्ही भालो चिंती लेना ना करो मुई बल, मोरे चक्र तोमा लागी हई लो विफल। उस दिन तुम्हारे कारण मेरा सुदर्शन भी फेल हो गया था, तुम्हारी प्रार्थना के कारण मैं उनको मार नहीं पाया था। तुम्हारे मरण निज अंग करी लिया, चिन्ह आचे नाएगी आकाया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, हरिदास ठाकुर भी कुटिया बनाते हैं जगन्नाथपुरी में और वहां बैठ करके भजन करते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि रूप गोस्वामी भी आते हैं लेकिन वो भी मंदिर नहीं जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर की जो समाधि है, सोचिए हरिदास ठाकुर की जो भजन कुटीर है कितना महत्वपूर्ण स्थल है। हरिदास ठाकुर यहां भजन करते थे, रूप गोस्वामी जब आते हैं वो भी यहां भजन करते हैं, सनातन गोस्वामी यहां आते हैं वो भी भजन करते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण स्थल है। और यही इसी स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर श्री हरिदास ठाकुर अंत में आते हैं, हम हे प्रभु मैं आपकी लीला का पटाक्षेप नहीं देख पाऊंगा। और हरिदास निजग्रते प्रभु रे बसाइला, निज नेत्र दुई भंग मुख पद में हिला। तो वो प्यार आ गया क्योंकि हरिदास ठाकुर कहते हैं, ये मैंने संख्या नोट की है, आप घर जाकर पढ़ लेना क्योंकि समय नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये है अंतलीला अध्याय 11 32 से 42 प्यार, बहुत ही सुंदर प्यार है उनका, तिरुभाव कैसे हुआ। और 11 अध्याय सेम 51 से 56 और 11 चैप्टर फिर से 97 से 105, ये प्यार आपको पढ़ने चाहिए। लेकिन इस प्यारों को मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपकी ये लीला पटाक्षेप लीला नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं पहले आपसे जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अब आप अपनी लीला समापन करने वाले हो। और मेरी क्या इच्छा है, हरिदास निजग रहते प्रभु रे बसाइला, कि उनके चरण आपके चरण मेरे कहां रखे हों, मेरे वक्षस्थल पर रखे हों। और निज नेत्र दुई भ्रंग मुख पद में दिला, और आपके चरण कमल पर मैं ऐसे आपके मुख कपल पर ऐसे दृष्टि डालूं जैसे एक भंवरा होता है और वो कमल को पी जाता है, पान कर लेता है। और फिर वही हुआ। तो इसकी तुलना असल श्री चैतन्य महाप्रभु भीष्म पितामह से इसलिए करते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, अभी नहीं जाना था उनको,
लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं महाप्रभु से पहले जाऊं, इसलिए इच्छा मृत्यु को लागू करते हुए यही हुआ कि एक दिन हरिदास ठाकुर लेट करके जप कर रहे थे धीरे धीरे, और महाप्रभु आकर पूछते हैं, हरिदास क्या बात है, तुम स्वस्थ तो हो? हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा माला पूरा नहीं हो पाता। तो भगवान क्या कहते हैं, हरिदास तुम अपनी माला घटा दो। हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कब से कि हमारे गुरु जी बोलेंगे 16 से घटा दो। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं महाप्रभु, मैं अपने इस नियम को नहीं छोड़ सकता, आप कृपा करके मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। तो महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया और फिर ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलन बार बार। महाप्रभु आए अगले दिन, कीर्तन कर रहे थे, उदंत कीर्तन कर रहे थे, हरिदास ठाकुर लेटे हैं और श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलन बार बार। हरिदास ठाकुर आखिरी में श्री कृष्ण चैतन्य, आप बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बार बार बोल रहे हैं। और क्या करें, प्रभु मुख माधुरी प्रिय नेत्र जलाधार, और प्रभु के मुख का पान कर रहे हैं, भगवान की सुंदरता का। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, सबसे ज्यादा सुंदर अवतार माना जाता है गौर सुंदर। आप कहोगे क्यों? क्योंकि कृष्ण है सुंदर, लेकिन उसमें राधा रानी अगर सम्मिलित हो जाए तो महासुंदर बन जाते हैं। इसलिए सारे अवतारों में सबसे सुंदर गौर सुंदर। तो मुख से माधुरी पान कर रहे हैं, नेत्रे जलाधार। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामे रस हित प्राण केलो उत्क्रमण। और ये बोलते बोलते हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया और फिर एक सन्नाटा सा हुआ, सारे भक्तों में कोलाहल मच गया, सारे भक्त श्री कृष्ण चैतन्य जय जय हरिदास बोले, जय जय हरिदास, सारे भक्त चिल्लाने लगे जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। हरिदास का जाना इस सारे संसार के लिए एक एग्जाम्पल था, हाउ टू डाई। हम लोग सीखते हैं संसार में हाउ टू लाइव, बट प्रभुपाद जी कहते हैं हम सिखा रहे हैं हाउ टू डाई, क्योंकि अगर हम जैसे शरीर त्यागेंगे वैसा शरीर अगले बार मिलने वाला है। फिर वहां पर बहुत सारे सुंदर सुंदर प्यार आते हैं। लगभग 80 साल की उम्र में श्री हरिदास ने यह शरीर अपना त्याग किया, और आप लोग जानते हैं कि सबने वहां भस्म कुटीर से, और आप लोग गए होंगे समाधि स्थल, वहां तक गए, हमारे इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने ही है। और एक भक्त एक बार बता रहे थे कि मैं एक बार हरिदास ठाकुर की समाधि पर बैठ के जप करने लगा, अपने आप ही पता नहीं इतनी स्पीड बढ़ गई मेरी, हरिदास ठाकुर की कृपा मिली कि शुद्ध नाम जप होने लगा, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। तो हरिदास ठाकुर के लिए वहां गड्ढा खोदा गया, वहां उनका शरीर रखा गया। इससे पहले महाप्रभु नाचते उनके शरीर को लेकर के नृत्य किया, और फिर सबने मिट्टी डाली, और उसके बाद वहां एक चबूतरा बना दिया गया। और चबूतरा बनाने के बाद हरिदास ठाकुर के लिए, देखिए महाप्रभु ये अपनी झोली फैलाते हैं जगन्नाथपुरी की मार्केट में, सबसे जाकर कहते हैं कि मुझे हरिदास का फीस्ट करना है, तो सब अपनी अपनी टोकरी लेकर आ गए, महाप्रभु आप भिक्षांटन मत कीजिए हम वहीं लेकर आएंगे। लेकिन स्वरूप दामोदर कहते हैं नहीं नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर के लिए इस ग्रेस पदम प्रिय प्रभु ने अभी कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था, उस दिन प्रभु जी ने यही कहा था, आप क्या चाहते हो कि मैं किसी बड़े डोनर को बुला करके एक मंदिर जल्दी से बना दूं, या आप सब लोग सुदामा सेवा से कलेक्शन करोगे, कौन सा ठीक? भक्तों ने कहा प्रभु जी नहीं नहीं सुदामा सेवा ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर भक्तों के पैसे से मंदिर बनता है तो इसमें ज्यादा भक्तों को कृपा मिलेगी, सबको कृपा मिलेगी। इसी प्रकार से मायापुर के लिए भविष्यवाणी है, मायापुर में भविष्यवाणी है भक्ति विनोद ठाकुर की, जो कोई भी मायापुर मंदिर में थोड़ा सा भी डोनेशन देगा मंदिर बनाने में, उसको मैं हाथ पकड़ करके गोलोक धाम लेके जाऊंगा, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। पौपा जी ने क्या नियम बनाया, पौपा जी ने नियम बनाया जितनी भी इस्कॉन मंदिरों में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी उसका 1% मायापुर भेजा जाए, जहां वर्ल्ड वाइड, ताकि सबको भक्ति विनोद ठाकुर कहां ले जाए, गोलोक धाम। तो वही स्थिति यहां है, सब को कहा कि नहीं नहीं अपनी टोकरी अपनी दुकान के सामने रखिए, हम वहीं भिक्षांटन करने आएंगे। तो भिक्षांटन करके लाया गया और जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लाया गया,
और महाप्रभु फिर बैठ करके हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रभु के पांच पांच मुखों, इतना गुणगान किया। और फिर महाप्रभु ने वहां घोषणा की कि जिस स्थान में हरिदास ठाकुर के शरीर को नहलाया गया है, आज से ये महातीर्थ हैला वो जो सागर है। और देखिए आप लोग विश्वास कीजिएगा, जब भी मैं इस्कॉन में नहीं था तो जब मैं एक्चुअली अपने ऑफिस में एक मुझे हायर पोस्ट मिली तो हमारे ऑफिस वाले जगन्नाथपुरी लेकर गए थे मुझे। और जिस दिन लास्ट, मतलब मैंने अपने ऑफिस वालों को कहा कि बाय बाय, तो लास्ट वही लेकर गए, कहां, जगन्नाथपुरी। तो पहली बार जब मैं गया तो उस समय इस्कॉन में नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त के फोटो देखे थे समुद्र में स्नान करते हुए, तो मैंने कहा ये समुद्र कहां मिलेगा, मैं भी ऐसे स्नान करके फोटो खिंचवाऊंगा। तो वहां गया तो अनजाने में भी स्नान कर लिया और फोटो भी खिंचाए। बाद में जब पढ़ा कि महाप्रभु बोल रहे हैं जो कोई भी स्थान में स्नान करेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, हरि बोल, अरे वाह, अद्भुत। देखिए अर्थात समुद्र को भी तीर्थ बना दिया हरिदास ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु ने। फिर महाप्रभु कहते हैं जिस जिसने मिट्टी डाली है, जिस जिसने एक प्रसाद एक्सेप्ट किया है, जिस जिसने इस जितने भी कार्यक्रम में थोड़ी सेवा भी की है, और उसके बाद कहते हैं जिस जिसने इस कथा को भी सुना है, वो सारे के सारे भगवान के धाम जाएंगे, महाप्रभु बोल रहे हैं अद्भुत। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपने भक्तों को केयर करते हैं। लेकिन हमारा कार्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे अपना शुद्ध भक्त बनाइए, जितना भी मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य द्वेष भरा हुआ है ना, ये सारे सर्प भरे हुए हैं जो हमें यही रखेंगे, जकड़ कर रखेंगे हमें, है ना। एकमात्र हमारा उद्देश्य संसार में आने का है भगवान से प्रेम हो जाए। अगर आपका भगवान से प्रेम हो गया तो आपका मनुष्य जीवन धारण करना सफल है, और उनसे प्रेम नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण है जेलियस लवर, ईर्ष्यालु प्रेमी है। अगर आपने किसी और से प्रेम किया तो भगवान कहते जाओ उसी के साथ जा तू, अगर मुझसे अकेला प्रेम करेगा तो फिर मेरे साथ आ तू तो इसलिए आज के दिन हमें हरिदास ठाकुर के चरणों में यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर हरिदास कृपा करके जैसा आपके हृदय में प्रेम था हमारे हृदय में भी उसका 1% भी एक कण भी आ जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इसलिए ठाकुर हरिदास तिरुबाव तिथि महा 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 महोत्सव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय निताय गोपे मनंदे हरि हरि भो। प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि समय हो गया, अगर किसी का प्रश्न है तो पास आके पूछ लेना, ले सकते हैं ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? यस प्रभु जी, हरि रूप प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत विशेष क्लास थी आज, क्योंकि इतने कम समय में और अलग अलग शास्त्रों से इतना कुछ दृष्टांत दे देना असंभव है हमारे लिए। आपके लेक्चर को सुनने के लिए मैं भी 4 बार सुनना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा क्योंकि इतनी सारी कथाएं एक साथ हमें तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा तो एक प्रश्न था और एक पॉइंट एड ऑन करना था प्रभु जी। प्रश्न ये है मेरा कि जैसे आपने बताया कि हरिदास ठाकुर उनको कोड़े पड़े और उन्होंने जो है उनके लिए प्रार्थना की कि इनको विशेष रूप से बचाइएगा, तो ये तो हमें शिक्षा तो मिलती है, परंतु इसको हम कैसे जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति काल और परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति इस भाव को जो है अपना नहीं पाता, तो कैसे उसको डेवलप किया जाए। अच्छा, एक्चुअली बहुत अच्छा सोच है आपका कि जब ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो तो हाउ टू ओवरकम, ना कैसे हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए कहा गया है शास्त्रों में कि एक जो सुई की नोक भी है, और हमारे महाराज तो बोलते हैं लेक्चर्स में कि जितना भी सुख या दुख हमारे किस्मत में लिखा है उससे एक बूंद भी कम नहीं होगा, ना इधर ना इधर। तो इसमें हमें यह सोचना चाहिए, जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, काफी खतरनाक कैंसर हो गया 4 स्टेज का। तो एक हरियाणा में कोई जगह है जो अर्चित प्रभु होते तो बता सकते थे क्योंकि मैं अर्चित प्रभु के साथ गया था वहां पर, जहां रेवाड़ी जहां रेवड़ी मिलते हैं, रेवड़ी से रेवाड़ी याद आया रेवाड़ी में एक बहुत मतलब सिद्ध वो है एस्ट्रोलॉजर, उसके पास गए, वो काफी पहले से बता देता है तो उसके पास ले गए कि हमारे ऐसे ऐसे पेरेंट्स को कैंसर हो गया है तो आप कुछ उपाय बताएंगे।
तो उस व्यक्ति ने एक पल भी नहीं लगाया सोचने में, एकदम बताना शुरू कर दिया ऐसे कि जैसे सब कुछ जानता था पहले। उसने कहा कि इसका कैंसर ठीक नहीं हो सकता और इसकी डेथ होगी। पहली बात, कैंसर क्यों हुआ वो सुन लो। वो कहता है कि पिछले जन्म में ये व्यक्ति किसान था और इसने इसके ये हल चला रहा था और दूसरा बैल वहां घुसाया, इसने अपने डंडों से उस बैल को मार मार कर उसे खत्म कर दिया, बिल्कुल इतना मारा इसने उस बैल को, उसका कारण है इसको कैंसर हुआ है तो, और इसकी रक्षा नहीं हो सकती और हो सकता है कई जन्मों में इसे भुगतना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि जब भी कोई भी हमें खरोंच भी आती है ना, तब भी भगवान ने अपने सुपर कंप्यूटर के माध्यम से वो टैकल कर रहे होते हैं। हाँ, अगर हम भक्त बन जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको कम कर लिया जाता है। हालांकि हरिदास ठाकुर से पूछा गया, हरिदास ठाकुर आप तो भक्त थे, आपको इतनी मार क्यों सहनी पड़ी? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, यस, क्योंकि मैंने नाम की निंदा सुनी, मैंने भक्ति की निंदा सुनी, इसका कारण है कि मेरी पिटाई हुई, तो मैं तो भक्त था, मैं इसको सहन कर गया। तो एक भक्त को यही सोचना चाहिए, भक्त बनने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे निंदा हो करके, जैसे एक बार अपने गुरु महाराज की लीला सुनाते हैं, बहुत सुंदर लीला है। एक बार एक भक्त आया महाराज के पास और महाराज से आकर जानते क्या बोला, उसने कुछ फंड रेजिंग में गड़बड़ कर रखी थी। तो किसी भक्त ने बताया, महाराज ये भक्त ना पैसे इकट्ठे करता है, पॉकेट में डालता है। महाराज ने कहा उसको बुला के लाओ। आया तो वो समझ गया मेरी कंप्लेंट, वो पहले ही इतने लंबे लंबे हाथ कर रहा है, महाराज मंदिर में नहीं रहना हमें, ये मंदिर वाले ना बहुत शिकायत करते हैं और महाराज के चेहरे के सामने ऐसे ऐसे कर रहा है, हमें पता है हम नहीं रहेंगे मंदिर में और चले जाएंगे अपने घर, भक्ति कर लेंगे अपने घर में जा करके। और महाराज चुपचाप उसे देख रहे हैं। जब वो खूब बोल चुका तो महाराज ने उत्तर दिया बड़ा मीठा। महाराज बोले, देखो अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी किसी ने झूठ बोला है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए, झूठा है वो भुगतेगा, और अगर तुमने कुछ गड़बड़ की है तो उसको ठीक कर लो, इसमें गुस्सा होने की जरूरत है ही नहीं। तो महाराज का ही आंसर है, अगर मान लीजिएगा कोई हमारी निंदा कर रहा है, अननेसेसरी हमें टॉर्चर कर रहा है, तो अगर हमें क्या सोचना है, जैसे प्रभुपाद ने कहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है क्लू जो कि भगवान शुद्ध करना चाह रहे हैं, और दूसरा हरिनाम से शुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी स्पीड तेज हो गई है। तो और अगर मान लीजिएगा सचमुच में कोई हमें अननेसेसरी टॉर्चर कर रहा है तो नुकसान किसका है? उसी व्यक्ति का। भक्ति में हमेशा दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, बस हमें अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना है। अगर हम पर कोई गलत कर रहा है वो भुगतेगा, और एक्चुअल में हमें गड़बड़ की है तो वो हमें टॉर्चर करके हमारा अकाउंट क्लियर कर रहा है। दोनों हाथों में लाभ ही लाभ, ठीक है। और एड ऑन प्रभु जी, वो अभी अगहन मास की बात हो रही थी, तो जो अगहन मास है वो फरवरी में नहीं आता, एक्चुअली अगहन माघ शीष का जो महत्व है उसमें बताया गया, अगहन मतलब साधना और तपस्या का मास, जो कि 26, 27, 28 नवंबर से शुरू होता है और 26, 28, 27 दिसंबर तक समाप्त होता है, जिस द्वारा भगवत गीता भगवान ने बोली थी। अगहन मास है जो कि बहुत विशेष मास बताया गया तपस्या के। थैंक यू। हरे 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 कृष्ण। ठीक है, और किसी का चर्चा नहीं, कुछ ऐड ऑन करेंगे प्रभु जी? रविलोचन प्रभु का बहुत सुंदर हरिदास ठाकुर के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर विराम करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभु पाद की जय, निताय गोपी मनंदे, हरि हरि बोल।